चैलेंज वीडियो एक बार फिर हम चैलेंज वीडियो बनाने वाले हैं। और पिछली वीडियो में मैंने ब्लॉक द मूव चैलेंज किया था, लेकिन आज की वीडियो में होने वाला है सॉल्व एज अ पैटर्न। ठीक है, इस पे एक पैटर्न होगा, मैंने इस पे कॉपी करना होगा। पैटर्न कौन सा है? वो है हमारे पास वायर। एक बहुत आसान सा पैटर्न है, वही करने वाला हूँ। पिछली जो हमने वीडियो एक बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, ब्लॉक द मूव चैलेंज करके वो एक वीडियो थी, तो उसके अंदर मैंने एक किया था, कह सकते हो एक रूल रखा था कि अगर मैं चैलेंज हार गया तो वीडियो वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस तरह का नहीं होगा इधर। लेकिन इधर क्या होगा कि हम जो है ना इस टाइमर को चलाएंगे, और जब तक ये टाइमर चलता रहेगा तब तक हमारे पास टाइम होगा, और जब ये टाइमर रुक जाएगा तो हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इस पर पैटर्न बना लेते हैं और फिर जो है ना हम इस पर जो है अपना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पैटर्न बनाना बहुत आसान है, पैटर्न का नाम मैंने बता दिया है, वायर है, इसको कॉपी करना है। ये थोड़ा मैंने आसान वाला लिया था, बाकी अगर आप लोगों का कोई पैटर्न है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप लोगों को ऊपर पैटर्न लिखा आ रहा होगा और साथ साथ मैं भी करूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आसान सा पैटर्न है, स्टार्ट करते हैं। क्या है? आर एल एफ बी, आर एल एफ बी, आर एल एफ बी, उसके बाद आर टू बी टू एल टू, आर टू बी टू एल टू। तो ये है हमारा पैटर्न और इसका नाम है वायर पैटर्न। तो बाकी आप लोगों को पता लगी है ये कैसे बनाना है। ठीक है, तो बस यही करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसको मैंने यहाँ से इसको यहाँ कॉपी करना है, और मेरे पास जो टाइम लिमिट होगी वो होगी 10 मिनट्स। सेकेंड में तो खैर नहीं हो पाएगा। ये अच्छे से स्क्रैम्बल हो चुका है, और अब इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग भी इसको ट्राई करो और बताओ कि आप लोगों का क्या टाइम आता है। टाइमर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं, स्टार्ट हो गया। और अब जो है ना मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्व जो है ना स्टार्टिंग में बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने उल्टे एजेस लगाने, मतलब ऑपोजिट साइड के। उसके बाद हमने जो है एक साइड जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व करने, मतलब एक पेयर जो है ना पूरा हमने लगाना है। जैसे अभी ऑरेंज और ब्लू है, तो इस ऑरेंज और ब्लू को हमने ऐसे करके लगा देना है। इसके बाद एक हमने ऑपोजिट लगाना है, ऑपोजिट मतलब ब्लू और रेड है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रीन और ऑरेंज। ये लग गया। इसके बाद हमने लगाना है एक ये इसका पीस, और अब हम लगाएंगे इसका ऐसे करके इस पेयर को लगाएंगे। उसके बाद हमने इसको लगाया और ये गलत लग गया, इसको लगाते हैं। फिर ये हमारे पास OLL, और इसके बाद अपना PLL, और ये आ गया हमारा लास्ट लेयर। तो लास्ट लेयर जो जो इस वीडियो को देखता है उसको पता ही होगा कि लास्ट लेयर में आके मैं फंस जाता हूँ। आप देख सकते हो मैंने कितनी जल्दी से किया है, क्योंकि ये जो है ना स्टार्ट में आसान था, लेकिन अब जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वक्त आके, क्योंकि लास्ट लेयर जो है ना वो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा बहुत देखने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि जैसे नीचे वैसे ऊपर। आप इधर देख सकते हो सारे हमारे जो एजेस है ना वो ऑपोजिट लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब रेड के ऊपर ऑरेंज लगा है, ग्रीन के ऊपर ब्लू लगा है, रेड के ऊपर ऑरेंज लगा है, कुछ इस तरह ये सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इनको भी ऑपोजिट कर देता हूँ। अब जैसे ग्रीन है तो ग्रीन को इधर जाना है, तो ग्रीन को मैं इधर ले जाता हूँ, और अब इन दोनों ने उधर जाना है तो इन दोनों को उधर ले जाता हूँ। लेकिन इन दोनों को उधर लेकर जाऊँगा तो नीचे वाले हट जाएंगे। जैसा आप लोगों को इधर देखा है कि यहाँ पे भी हमारा ऑपोजिट लगे हुए हैं, ये लगा दिया हमने इधर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों एजेस स्वैप हों और ये दोनों कॉर्नर, ये दोनों, यस ये दोनों कॉर्नर स्वैप हों और ये दो एजेस स्वैप हों। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे देखा जाए तो जैसे नीचे सेम पैटर्न उस तरह ऊपर भी करना है। तो आई थिंक इसका आसान तरीका ये होगा कि हम जो है ना इधर आई थिंक एन बी पर हम कहते हैं वो लगाते हैं, एन बी होता है, लगा के देखते हैं। लगा तो दिया, आई थिंक मैंने गलत लगाया, फिर मैं इसको ऑपोजिट कर देता हूँ एजेस को। उसके बाद यहाँ पे अपना एन बी लगाते हैं, एन हो गया, आई डोंट थिंक सो, नहीं हुआ। ये एक लाइन बन गई, ये टी टी बन गए हैं,
देख सकते हो ये टी बन गया, ये भी टी बन गया, ना ये नहीं है, हमने कुछ गलत किया है। मैं एक बार चेक करता हूँ फिर देखता हूँ क्या गलती हुई है। थोड़ा सा देखने के बाद ये गलती महसूस हुई कि हमारा तो नीचे वाला सारा ठीक है, लेकिन जो मसला है वो ऊपर वाली लेयर में ही है। क्योंकि अगर हम इसको ये करें, और अब अगर मैं इस पर एन बी लगाता हूँ, और उसके बाद मैं अल्लाह भला करे मैं इसको स्वाप कर देता हूँ इसके साथ, और उसके बाद हम ये कर, फिर वही टी नहीं, वेट, यस बन चुका। यहाँ से आप देख सकते हो सेम मैच हो रहे हैं ये कुछ इस तरीके से, ये भी ये भी ये भी ये भी, और ऊपर नीचे से जो है ना ये टोटल इसमें मुझे 4 मिनट्स लगे, 3 मिनट 59 सेकंड्स। और आप बताओ कमेंट में कि आपने कभी ऐसा कोई चैलेंज ट्राई किया। मैं तो बहुत ऐसा करता रहता हूँ ट्राई, आप लोग भी कमेंट में बताते हो कौन सा मुझे पैटर्न सॉल्व करना चाहिए। और बाकी अगर कोई और चैलेंज है तो आप वो कमेंट में बता सकते हो, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा। और बाकी इसको बनाने का एक आसान तरीका भी, आप ये देख सकते हो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से करो, और मैं बताता हूँ पहले इसको बनाने का एक आसान तरीका मुझे महसूस हुआ, और वो ये है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, अगर आप इस क्यूब को ऐसे पकड़ो और यहाँ पे एन परम लगाओ और यहाँ पे लगाओ, तो ये कुछ सेकंड्स में जो है ना ये आपका जो है ना वायर पैटर्न बन जाता है। आप लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा चैलेंज होना चाहिए। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.